कोटा दक्षिण नगरनिगम और कोटा उत्तर नगरनिगम में बरसाती नालों की सफाई का काम जोर शोर से चल रहा है। कोटा दक्षिण नगरनिगम में 50% से अधिक नालों की सफाई का काम पूरा हो चुका है और नालों से कचरे का निस्तारण भी हो रहा है। कोटा उत्तर नगरनिगम में अभी उन नालों की सफाई का कार्य चल रहा है जो कॉलोनी में जल भराव का कारण बनते हैं, उसके बाद बड़े नालों की सफाई की जाएगी। लगभग ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी अपने नाले हैं पूरे नगर निगम कोटा दक्षिण के अंदर, उसमें लगभग आधे के आसपास जो है सफाई हो चुकी है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि लगभग अगले 20 से 25 दिन के अंदर अंदर हम ये मान के चलते हैं पूरे जितने भी नाले हैं दक्षिण क्षेत्र के अंदर उनकी सबकी सफाई हो जाएगी। देखिए, बारिश को देखते हुए हमने मुख्यतः पहले बड़े बड़े नालों पर प्रोग्राम तैयार किया था, जिसमें से हम बड़े जो शहर के सबसे बड़े नाले हैं उनमें से 7 मुख्य नालों के लिए हमारी सफाई प्रोग्राम अभी चालू होगा। और जो छोटे नाले थे जो JCB डंपर के थे, उनमें से हमने 29 नाले लगभग साफ़ कर दिए हैं। 4 जगहों पे आज भी कार्य चल रहा है, तो अभी हम 29 नाले पूर्ण तरह साफ़ करने के पश्चात हमारे को टोटल 89 नाले साफ़ करने हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आपके बस स्टैंड के नीचे वाला नाला, उसके लिए हमने स्पेशल टेंडर भी किया है। समता भवन के नाले के लिए भी, क्योंकि ये नाले सिर्फ लेबर से ही साफ़ कराए जा सकते हैं। इसके अलावा चंद्रसेल एरिया में जो अपने नहर के नीचे साइफ़न निकलते हैं, उन 7 साइफ़न प्लस 1 रायपुरा के लिए हमने साइफ़न के लिए अलग से टेंडर किया है।